ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 60 ਹੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ 60 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਤੇ 6ਵਾਂ ਬੈਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ NIEI ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਨਰ स्कूल के विकास के लिए भाईचारक भागीदारी स्कूल अनुशासन बारे दसिया जाएगा। सो सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस के वलों झंडी दिखा के इन्हों रवाना किया जाएगा। तो सिंगापुर के लिए अज 60 प्रिंसीपल जिहड़े कि रवाना होणगे, 5वां ते 6वां बैच रवाना किया जाएगा। अति आधुनिक ट्रेनिंग लैण दे लई इह जत्था रवाना किया जा रहा है। सो मंत्री हरजोत बैंस के वलों इन्हों रवाना किया जाएगा। देख रहे हो आज एक होर बैच है जोड़ा वो सिंगापुर के लिए रवाना हो रहा है। इस ट्रेन से अपना गल करने इतने बहुत सारे मौजूद हैं सर। आज एक होर बैच रवाना हो जा रहा है सिंगापुर के लिए। तो किमें देखते हो जोड़ा है प्रोग्राम पंजाब सरकार को लगातार चलाया जा रहा है। हाँ, बहुत वधिया जी। पंजाब सरकार का बहुत वधिया उपराला है, जिहदे नाल सिक्ख्या दे विच नवीं क्रांति आई है ते अग्गे वी भविख दे विच आ। किवें देखदे हो जदों भी कोई बैच जांदा है, और हालांकि इस तों पहलां भी कई बैचेस गए ने, अज भी इक होर बैच जा रहा है। सो की लगदा किस तरीके दे बदलाव तुसीं सिक्ख्या क्रांति दे विच देखदे हो? तुहानूं लगदा है कि इह बदलाव है? एज एन टीचर तुहाडा भी लंबा तजुर्बा हो चुका होणा, ट्रेनिंग तों बाद किस तरीके दी चीज़ां दे विच बदलाव आएगा? मैडम जिमें हम इस तरीके पता लग जाएगा बच्चों के नाल भी मापियां के नाल किस तरीके बीतते हैं, बच्चों किस तरह का एक्सपोजर देना है, किस तरह का टीचर किस तरह ट्रेन अगे बच्चे पढ़ाने वास्ते तैयार करना है, इस तरह की जी सारी चीज़ा सामने आ बहुत वधिया सिक्ख्या के बहुत सुधार जिसे। मेरा नाम है ममनप्रीत सिंह है, मैं सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल माहीनगर डिस्ट्रिक्ट बठिंडा तो आया। बठिंडे तो आए, किवें सोचते हो जो उपराला जिम्मे सर ने कहा कि पहले तो ट्रेनिंग किस तरीके की होगी, कितने दिन की ट्रेनिंग है, किस तरीके दीज़ा सीखोगे इस मैम? ये ट्रेनिंग साड़ी 24 सितंबर तो लैके 29 सितंबर तक 5 दिन तक चलेगी। जिमें आप पता ही है कि हरेक जो कंट्री है वो जो एजुकेशन सिस्टम अलग अलग होंगे, पर कई बार आप दूजे देशों चंगी गल् जो अडोप्ट करके आप अपने देश लियाने तो वो हो सकता अपना कोई फायदा हो जाए। जो जितों तक मैनू पता चलिया जो लर्निंग प्रोसैस से ज़्यादा सिंगापुर की जो स्टडी है ध्यान दिता जाता है। वैसे इंडिया की जो सिक्ख्या पद्धति है वह भी माड़ी नहीं, आपको पता कि पुरातन समय तो इंडिया की जो सिक्ख्या पद्धति बहुत एक विदेशों तो भी पुराने समय पढ़न आती सी। बट जो इस टाइम मैं समझदा कि आप दूजे देशों तो जिस तरह लै रहे हैं आप इस तरह दिया ट्रेनिंग वो आने वाले समय से फायदा होगा। आने वाले समय के जरूर फायदा होएगा। अच्छा रवाना हो रहा है प्रिंसिपल का बात।